परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के चलते नवजात की मौत का आरोप लगाया है। जिले के सहायता गांव से प्रसूता के लिए आई थी महिलाओं को देर रात डिलीवरी होने के बाद ही नवजात की मौत हो गई थी। मौत से आक्रोशित परिजनों का कहना था कि अगर हालत गंभीर थे तो आप हमें निजी अस्पताल ले जाते। ग्रामीणों ने जिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान पैसे मांगने के भी गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान अस्पताल के लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। घटनाक्रम के बाद परिजन कोतवाली थाने में शिकायत करने पहुंचे और कार्यवाही की मांग की है। खरगोन से तिवारी की रिपोर्ट। मांगे थे 500, मैंने 500 दिए। मांगे क्या है? दिए किसको दिए? दिए मैंने डिलीवरी के। हाँ डिलीवरी के। किसको दिए? किसको दिए? वो अंदर वो जिसने डिलीवरी करी सुबह की शिफ्ट जो इनकी डिलीवरी कर रही है। आज सुबह दिए? नहीं, मेरे घर परसों डिलीवरी हुई। घर सहायता से आए हम। क्या हुआ था? हमारे साथ ऐसी घटना हुई सर कि हम 11 बजे के आए हुए। इन लोगों ने बोला, जब बोल दिया था इमरजेंसी कैसे, इन लोगों ने बोला चिट्ठी बनवाने जाओ। लाइन में इतना दर्द हो रहा है, उसके बावजूद भी लाइन में लगवाया है ना। लाइन में लगाने के बाद उसको दर्द बोल रहे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, उसको दबा दबा के सर। जब सरकारी अस्पताल में सब सुविधा है कि दर्द की, फिर इन लोगों ने क्यों नहीं यूज करी है? इसको बोला बाजार से लेके आओ इंजेक्शन, बाजार से लाके दिया, वो रख लिया है। और उसके बाद में बोले मार मार के उसको दर्द दिला, दर्द ले दर्द ले। जब हमने बोल दिया नहीं दर्द ले रही, ऑपरेशन करो, क्यों नहीं करा? यानी तो फिर ऐसा बोलना था कि अस्पताल में ले जाओ, दूसरी प्राइवेट में डिलीवरी करवाओ। ऐसी लापरवाही करी, अगर कभी हमारा पेशेंट मर जाता तो क्या करते हम लोग? अभी तो बच्चा मरा, पेशेंट मर जाता तो सरकारी अस्पताल में यह सुविधा है कि? क्या क्या आरोप लगा रहे हैं आप डॉक्टरों पे? मैं सिर्फ इतना आरोप लगाना चाहता हूँ, मैं बच्चे का मामा हूँ। मैं इतना बोलना चाहता हूँ सर कि जब तुम्हारे से नहीं हो रहा है तो अगले को मना करो तो कई सुविधा करे। सरकारी में नहीं हो रहा है तो हम प्राइवेट में या कुछ भी करें। तो सभी आते हैं, आज हम है तो कल और भी कोई होगा, आज तो हमारा गया भांजा। खरगोन जिले के भिकन गांव में दो पक्षों में हुए विवाद में एक की मौत हो जाने पर थाने